एक और नया दिन हमारी जिंदगी के साथ जुड़ गया और हम खुदा की हजूरी में खड़े हैं और खुदा की हजूरी में खड़े होने का जो समा होता है ना, उससे अच्छा समा और कोई नहीं होता। जब जब आप खुदा के हजूर में आते हैं, आपके दिल में दिमाग में एक ऐसी शांति आती है जो और कहीं नहीं मिलती। खुदा के हजूर में खड़े होना, खुदा की बातों पर ध्यान देना, खुदा का शुक्र अदा करना, अच्छे दिन को खुदा के सामने पेश करना, अपनी जिंदगी को खुदा के सामने पेश करना, ये बहुत अच्छा लगता है सबके। कल रोशनियों का त्यौहार था, दिवाली थी, मैं आपसे मिलने आया पर बुआ जी ने आपको मेरी कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने आपको सब कुछ बताया, जितने लोग आए खुदा की बरकतों में, खुदा ने उन्हें अपने बेटे और अपनी बेटियों का चर्चा दिया। मेरी तरफ से आप सबको दिवाली मुबारक हो। जो लोग दिवाली पर मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, रोशनियां जलाते हैं, खुदा आपको बरकत दे। मेरी तरफ से आप सबको दिवाली मुबारक हो। ये एक रोशनियों का त्यौहार होता है। खुदा ने फरमाया है कि मैं दुनिया का नूर हूं। फिर उसने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो। हम लोग दिए जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, कभी अपनी जिंदगी को भी रोशन करो। इसके साथ साथ होता तो ये ना, मतलब तो ये है कि घर के दिए जलाने के साथ साथ अपनी जिंदगी के दिए भी जलाओ। आप दिए की तरह जलते हुए नजर आए, खुदा की बरकतें आपके अंदर नजर आए। जब भी आप किसी को देखो ना, तो ऐसा लगे कि सचमुच में ये खुदा का बंदा है, इसके अंदर खुदा की रोशनी। जो कल का त्योहार जीता है वो बुराई पर अच्छाई की जीत है, बुराई पर अच्छाई की जीत है, वो आपको सिखा।